हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन फ्रेंकी की रेसिपी। इजी है इसे बनाना, तो इसकी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो आप लोगों को क्या करना है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक चिकन ब्रेस्ट, आप कोई भी बोनलेस पीसलेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। तो छोटे टुकड़ों में कट करने से क्या होगा, हमारा चिकन जो है बहुत जल्दी पक जाएगा। तो चलिए इसे फटाफट से मैं कट कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं रेसिपी में। तो यहाँ पे हमारा चिकन जो है मैंने उसको कट कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने इसमें 2 चम्मच जो है हंकट टंगा हुआ जो दही होता है, दही में से पानी निकाले थे वो डाल दिए। फिर इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा चिकन मसाला डालेंगे, गरम मसाला भी अगर आप चाहो तो डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाली हूँ जीरा पाउडर, अपने इंडियन मसाले, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक भी डाला था। अब 1 आधे नींबू का रस मैं इसमें मिला रही हूँ, तो इससे हमारा जो है वो चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और जब हम इसको पकाएंगे तो ये जल्दी से पक जाएगा। तो इसको अब अच्छे से मसाज करके मैं इस पूरे मैरिनेशन को अपने चिकन में अच्छे से लपेट लेती हूँ इसको। तो यहाँ पर हमारा मैरिनेशन चिकन मैरिनेट करने के लिए रख दें, इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद में लिया है मैंने एक तवा फ्राइंग पैन। अब उसमें जो हमारा मैरिनेट चिकन था जो रेस्ट कर चुका था उसको मैंने लिया है। अब इसे अलट पलट करके अच्छे से दोनों तरफ से चिकन को पका लेंगे। चिकन हमारा बहुत जल्दी पक जाएगा क्योंकि चिकन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मैरिनेशन से इसमें अच्छा सा स्वाद आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा चिकन पक चुका था, 2 मिनट नहीं लगे थे इसको, 2 से 5 मिनट लगते हैं पकने में, तो यहाँ पे बहुत ही कम भी तेल लगता है। अब यहाँ पे हम जो है अपना इसका फ्रेंकी का आटा डो जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया था, इसमें 3 से 4 चम्मच मैंने दही डाला है, 1 चम्मच मैंने नमक स्वाद के अनुसार डाला है और 1 चम्मच तेल डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, जैसे हम रेगुलर अपनी रोटी के लिए आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके का हमें इसके लिए आटा तैयार करना है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट मैंने इसको गूंदा है। तो अब इसे भी ढक के थोड़ी सी देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक यहाँ पे हम कर लेते हैं अपने सैलेड की तैयारी। तो सैलेड के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा प्याज, इसको बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, 1 टमाटर लिया है, 1 पत्ता गोभी लिया है। ये ऑप्शन है, आप चाहो तो ले सकते हैं, नहीं तो प्याज और टमाटर भी काम कर जाते हैं। तो थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, इसका स्वाद ही अलग आ जाता है क्योंकि। और फिर इसमें डालेंगे नमक, अपने स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिएगा। फिर थोड़े डालेंगे अपनी लाल मिर्ची और 1/2 नींबू का रस जो है इसमें डाल दूंगी मैं। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हमारा सैलेड तैयार हो जाएगा। ये सैलेड आप वैसे भी खाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, अपने खाने के साथ में इसे सैलेड को बनाइए, बहुत अच्छा लगता है ये सैलेड, हम लोग तो वैसे ही खा जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा सैलेड जो है बनके तैयार हो गया है। तो अब नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमने जो अपना आटा रेस्ट करने के लिए रखा था अब उसकी लोइयाँ तोड़ के इसकी पराठे की तरह हम लोग बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा भी रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का इसको बेल लिया था। अब इसके तवे पे हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, मतलब आपको लगे कि हाँ रोटी हमारी जैसे हम रोटी को बनाते हैं बिल्कुल वैसे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 अंडा, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक मिला लिया था। अब ये जो हमने रोटियाँ बनाई थी इसको हम अंडे के ऊपर अच्छे से लपेट लेंगे, तो चारों तरफ से अच्छे से अंडा जो है हमारा इसके ऊपर लग जाएगा। और अब यहाँ पे हमने उसी तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और अब हम इसे इस रोटी को जो अंडा लगा दिया था इसके चारों तरफ इसको हम अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पे जो है मैंने इस तरीके से 3 बना लिए थे क्योंकि मुझे 3 एग रोल बनाने थे। तो अब हम करते हैं इसकी तैयारी, असेंबलिंग, फाइनल असेंबलिंग। तो यहाँ पे हमने अपने जो रोटी ले ली थी उसके ऊपर अब मैंने थोड़ा सा रख दिया यहाँ पे चिकन और अब डालेंगे जो सैलेड हमने बनाया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, जितना हो सके आप अपना डाल लीजिए, टेस्टी लगता है ये सैलेड तो बहुत वैसे भी। तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज लिया और मेयोनीज में थोड़ा सा टमाटर सॉस जो होता है वो मिला लिया है। तो ये टमाटर सॉस वाली मेयोनीज बनके तैयार हो जाती है। और यहाँ पे जो है ये मैंने ये भी मेयोनीज है और इसमें मैंने अपनी जो धनिया पुदीना वाली चटनी होती है वो मिला दिया था। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पुदीना, जब हम बाइट लेते हैं और मुँह में पुदीना का पत्ता आता है ना तो एक अलग ही फ्रेशनेस आती है। तो यहाँ पर मैं इसको रोल कर रही हूँ और यहाँ पे मुझे इंस्ट्रक्शंस देने वाले सब लोग साइड में खड़े हुए थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे रोल करो, ऐसे नहीं ऐसे रोल करो। तो फाइनली मैंने इसे रोल कर लिया है
और अब ये जो है ये फूड रैप है मैं इसको इसमें लपेट दूंगी। उससे क्या होगा कि जब हम फ्रेंकी को खाएंगे तो वो पीछे से ना उसका जो भी मिक्सचर होता है वो निकलने लगता है, वो निकलेगा नहीं। और यहाँ पे अब मेरे असेंबलिंग कर रहे हैं रोल्स की जो है मेरे हस्बैंड, तो हम लोग के बीच में कॉम्पिटिशन हो रही थी कि तुम अच्छा रोल करती हो मैं अच्छा रोल करती हूँ। तो मेरी बारी हो चुकी थी, अब उनकी बारी है। अब आप लोग बताइएगा कि किसने ज़्यादा अच्छा रोल बनाया। ऐसे ही होता है जब हस्बैंड को भी अच्छा सा खाना बनाना आता हो तो हमारे घर में कंपटीशन चलती रहती है। देखो इनके उसमें से मिक्सचर बाहर निकला था, मेरे इसमें से नहीं निकला था, तो यहाँ पे हम दोनों मिलके जो है अब इसको रोल करें, हमारे इसमें कंपटीशन चल रही थी। तो यहाँ पे हमारे रोल बन के तैयार हो गए हैं एंड अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं सॉरी। तो अगर आपको फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारी कॉम्पिटिशन पसंद आती है तो आप हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे इसको सैलेड के साथ में मैंने रख दिया है। ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।